अगर अपन 6.4, अगर अपन 6.4 को समझे तो सर ये है कहीं ना कहीं पूरी एक्सरसाइज अगर अपन बात करें 10th के ट्राइंगल्स की, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पर, किस पे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। पहले अगर अपन इसका कंसेप्ट समझे तो सर ये इस बात पे फोकस करती है कि पहली बात, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, एक ट्राइंगल को हम मान लेते हैं ए बी सी और दूसरे ट्राइंगल को हम मान लेते हैं पी क्यू और आर। तो एक ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया, ए बी और सी, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, और इसका मैंने परपेंडिकुलर बना दिया ए डी और इसका मैंने परपेंडिकुलर बना दिया पी एम। देखिए जब भी आप किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर बोलते हैं, जब आप बोल रहे हो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसका मतलब इसकी ए बी अपॉन में इसकी ए बी, हाँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में कितना क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, मतलब इस ट्राइंगल का ए बी अपॉन में इसका कितना पी क्यू, इसकी बी सी अपॉन में इसकी क्यू आर और इसकी ए सी अपॉन में उसकी पी आर। दो ट्राइंगल के सिमिलर होने का अर्थ ये नहीं होता कि वो डिट्टो सेम, दो ट्राइंगल के सिमिलर होने का मतलब होता है कि वो प्रपोर्शनेटली सेम, क्या सेम है, प्रपोर्शनेटली, कि उन ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या है, सेम, और उनके तीनों एंगल भी क्या है, सेम, मतलब इसका एंगल ए इज इक्वल टू उसका एंगल बी, इसका एंगल बी इज इक्वल टू उसका एंगल क्यू, इसका एंगल सी इज इक्वल टू उसका एंगल आर, मतलब बी इक्वल टू क्यू, ए इक्वल टू बी और सी इक्वल टू आर। सर ए डी और पी एम का आपने क्या बनाया, परपेंडिकुलर्स, क्या बनाए हैं, परपेंडिकुलर्स। तो सर अब यहाँ पे जो चीज हमको समझनी है और प्रूफ करने की कोशिश करनी, जो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो कुछ ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, समझिएगा कि भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरियाज का रेशो होगा, किसका रेशो होगा, एरिया का, तो वो बोल रहे प्रूफ करो, टू प्रूफ कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर। तो सर ये थ्योरम क्या बोलती है, एक बार आप बोल के भी दिखा दो। तो मैंने बोला हाँ इस थ्योरम को मैं बोल के भी दिखा देता हूँ। सर ये थ्योरम बोलती है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, टू द, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड्स, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो सर आप और क्या कहना चाहते हैं और क्या कराना चाहते हैं? देखो यार मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें कि सर आप इसमें क्या समझाना चाहते हैं या क्या एड ऑन करना चाहते हैं, तो मैंने बोला यार मैं सबसे पहले फोकस करूंगा किस पे, अगर आप लोग अलाउ करो तो, इन ट्राइंगल ए बी डी, बोर्ड पे लिख रहा है क्या, ए बी डी और पी क्यू एफ, ए बी डी और लिख रहे दोनों, तो अगर आप मुझे अलाउ करो तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एफ, ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम, क्या बोल सकता हूँ कि इसका एंगल डी और इसका एंगल एम 90 है? हाँ। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 90। सेकेंडली इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू तो पहले से इक्वल था, तो इसका एंगल बी इज इक्वल टू उसका एंगल क्यू, सही है यहाँ तक?
सर ऑब्वियस बात है, किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो इसका एंगल डी और इसका एंगल एम और इसका एंगल डी दोनों कितने हैं 90, इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू तो पहले से ही क्या था इक्वल, तो बचा हुआ जो इसका एंगल ए है वो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगा एंगल बी के, क्योंकि सर तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, तो इसका एंगल ए इज इक्वल टू उसका एंगल बी, तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गए ट्राइंगल पी क्यू एम से बाय ए ए, बाय व्हाट ए ए। सर अब इसमें आप क्या बोलना चाहते हो, मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल क्या होगा कि अपन क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं कोई भी दो चीजें जैसे दो एंगल भी इक्वल हो गए तो दो एंगल से तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इक्वली, तो उसको तीन बोल या दो बोल, ऐसे ट्राइंगल क्या होगा सिमिलर ए ए और ए से, क्योंकि इसके तीनों एंगल इज इक्वल टू उसके तीनों एंगल। तो सर ऐसे में अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अपन बोल सकते हैं क्या इसकी ए बी अपॉन में इसकी क्या पी क्यू इज इक्वल टू इसकी ए डी अपॉन में उसकी क्या पी एम, हाँ कि ना, और ये बोल सकते हो इसकी बी डी अपॉन में कितना क्यू है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उन ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं सिमिलर तो उनके साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाते हैं सिमिलर। सर बातें तो अच्छी है, मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छी लग रही है, अगर अपन थोड़ी सी बात करें तो मुझे बता पाए कि क्या बताता है एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, सर एबीसी का एरिया होगा हाफ बेस मतलब कितना बीसी इंटू कितना एडी, हाफ बीसी इंटू कितना, और पीक्यूएम का एरिया क्या होगा हाफ क्यू आर इंटू कितना, हाइट कितनी है पीएम, हाइट तो यही है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाफ बेस इंटू, सर आपने हाफ से हाफ तो क्या कर दिया कैंसिल, इसका मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इंटू ए डी अपॉन में पी। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो बता दिल से पूछूंगा, देखता हूँ कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को, क्योंकि बात दिल की है तो दिल वालों को ही समझ में आएगी, तो देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं, क्या BC अपॉन QR AB अपॉन PQ इक्वल है, स्टार्टिंग में लिख दिया था कि पूरी BC अपॉन में QR किसके इक्वल है AB अपॉन PQ, तो मैं इसकी जगह पे लिखना चाहता हूँ AB अपॉन में कितना PQ, क्या AD अपॉन में PM AB अपॉन PQ की इक्वल है, तो सर आप देखो ना आपने खुद ने लिख के रखा कि AD अपॉन PM इज इक्वल टू कितना AB अपॉन PQ, तो वाओ सर तो ये भी क्या हो गया AB अपॉन में PQ। सर ऐसे में कहीं ना कहीं ईमानदारी वाली बात बोले तो आपका एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू कितना हो गया AB स्क्वायर अपॉन में, और जो AB अपौन PQ है बताऊं वही क्या है BC अपॉन QR, और वही क्या है AC अपॉन PR, और वही क्या है AD अपॉन PM, तो सर क्या आपको थ्योरम में यही प्रूफ करना था, मैंने बोला हाँ आपको थ्योरम में प्रूफ तो यही करना था। सर एक शॉर्ट रिविजन ले क्या आपने क्या समझाना चाहा, देखो हमने ये समझना चाहा कि कोई भी दो ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बड़ा भी हो सकता है और एक ट्राइंगल क्या हो सकता है छोटा भी हो सकता है, अगर ये एक ट्राइंगल ए बी सी है और ये एक छोटा सा ट्राइंगल क्या है आपके पास पी क्यू आर, और अगर ये ट्राइंगल बोल के रखा है सिमिलर है, मतलब अगर आपको बोल के रखा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल कितना पी क्यू आर, इसका मतलब इसका एंगल ए इज इक्वल टू उसका पी, इसका बी इज इक्वल टू उसका क्यू, इसकी सी इज इक्वल टू उसकी आर, और ये बात भी ध्यान रखना ये भी गिवन होता है कि इसकी ए बी अपॉन में उसकी कितना पी क्यू इज इक्वल टू इसकी बी सी अपॉन में उसकी क्यू आर और इसकी ए सी अपॉन में उसका क्या पी आर, तो सर क्या ये सब गिवन है, अरे हाँ है, इसके लिए आप क्वेश्चन को चाहो तो कभी भी थैंक यू बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो थैंक यू, ठीक है ना।
सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इनका रेशो क्या होगा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में कितना, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब देखिए जब तुम एरिया की बात कर रहे हो तो वी नीड हाइट, वी नीड व्हाट हाइट, एंड हाइट का मतलब ही क्या होता है दोस्तों 90। जब तुम एरिया की बात कर रहे हो तो वी नीड हाइट, एंड हाइट का मतलब कितना होता है आपके पास 90। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता। अब अगर अपन अच्छे से बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला थोड़ा ट्रायंगल ले लो याला, एक एबीडी और एक कौन सा पीक्यू। तो सर फटफट अगर अपन देखें तो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल व्हाट पीक्यूएम एंगल बी इज इक्वल टू कितना पहले गिवन था, और एंगल डी इज इक्वल टू कितना एंगल एम, दोनों कितने हैं 90। और सर दोनों का फिर एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाएगा इक्वल, वो उसको नाम दे देना बी ए डी, कुछ भी बोलो ना, आप तो बस मानो कि एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल बी। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय व्हाट ए ए और ए। इससे दिल को क्या मिला कि इसकी ए बी अपॉन में उसकी क्या पी क्यू इज इक्वल टू इसकी क्या ए डी अपॉन में पी एम इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको बी डी अपॉन में कितना क्यू है इसकी बी डी अपॉन में इसका कितना क्यू है। देखो फोकस इस पे करना है एक तो, और फोकस इस पे करना है ठीक है सर। अब आपने क्या बोला, अब मैंने अपना चौका मारने की कोशिश करी सर, चौका मारने की कोशिश करी, इसका मतलब मैंने यूज करने की कोशिश करी कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में कितना एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर होता कितना होगा हाफ बेस इंटू हाइट, यही हुआ ना। और नीचे वाला भी कितना हो गया हाफ बेस कितना है तुम्हारे पास अगर अपन बात करें तो क्यू आर हाफ क्यू आर इंटू हाइट कितनी है इसकी पी एम, सही है। तो सर इस केस में आपका हाफ से हाफ क्या हो गया कैंसल, तो बच क्या गया बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एम, लेकिन बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू, और ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल है, क्या बात है यार। इसका मतलब ये क्या हो गया ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, देखो समझो। अब आपने जो अभी थ्योरम पढ़ी 6.4 एक्सरसाइज के लिए, आपने ये बात तो जान ली कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में कितना एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होता है भाई ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी और एक क्या है डी ई एफ। हमने बोला ठीक है भाई ऐसा बोल दो कि भाई एक एरिया ट्राइंगल क्या है ए बी सी और क्या है दूसरा क्या है एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, और भाई इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, इज इक्वल टू जितना मैं समझ पा रहा हूँ इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ऊपर की बी सी का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना ई एफ का स्क्वायर, सीधी बात है। हाँ ये गिवन है आपको कितना एरिया ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन में गिवन है वो कितना 64 गिवन है क्या, हां एरिया ट्रायंगल एबीसी गिवन है 64 और एरिया ट्रायंगल डीईएफ गिवन है कितना 121 इज इक्वल टू बीसी तो शायद नहीं गिवन है बट ईएफ गिवन, बताओ ईएफ कितनी गिवन है 15.4, सही है क्या, हां कि ना 15.4 का होल स्क्वायर सही है। मैं तो सबका रूट निकालना चाहता हूं, पता 64 का रूट कितना हो जाएगा 8, 121 का रूट कितना हो जाएगा 11, BC स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा BC, और इसका स्क्वायर हटा दो इज इक्वल टू कितना 15.4। अभी तो अपन ने ये थ्योरम पढ़ी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो साइड्स के इक्वल होता है कि साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है, साइड के स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 1.4, कितना हो जाएगा 1.4, तो 8 × 1.4 इज इक्वल टू कितना BC, तो BC इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं वो तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी 10.8 कितनी आ जाएगी। तो सर इसमें आपने करा कुछ खास क्या, मैंने खास क्या करा, मैंने थ्योरम लगाई क्या बीसी का स्क्वायर अपॉन में कितना ईएफ का स्क्वायर, क्योंकि 64 अपने आप में क्या था स्क्वायर, उसका रूट लिया तो कितना आया 8, 121 का रूट लिया तो कितना आया 11, और इक्वेट कर दिया। क्या ये टफ था कि इजी था, इजी था, अपन करेंगे इसको भी, हम जब तक क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे साथ में, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है आप और मैं साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू कितना सी डी, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम
ए बी सी डी डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी पैरेलल टू सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ तो सर ठीक है ये दोनों इंटरसेक्ट कितना कर रहे हैं एट ओ पे और गिवन है कि भाई ए बी इज इक्वल टू टू सी डी ए बी इज इक्वल टू कितना टू सी डी इसका मतलब अगर सी डी एक्स ए बी कितना है टू एक्स सीधी बात है कि अगर सी डी एक्स है तो ए बी कितना है टू एक्स और ये भी गिवन है कि ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी तुमसे क्या बोला है बोले फाइंड करो एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ट्राइंगल सी ओ डी एरिया ट्राइंगल कितना पहले तो मेरा दिल बोलता है क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हाँ। वो दिल ऐसा बोलता है कि देखो ट्राइंगल इससे सिमिलर है क्योंकि एंगल डी और एंगल बी क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है भाई एक दूसरे को आंख मार रहे ना लाइंस क्या है पैरेलल अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये जो आंख मारने वाले एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल और एंगल ओ और एंगल ओ इक्वल है क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो सर कोई भी दो एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाए एंगल ए तो वो ट्राइंगल भी क्या हो गए इक्वल तो सर इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय व्हाट ए ए बाय व्हाट ए ए ए और यहाँ पे तो आपने क्या लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जैसे ही इन्होंने ये बोल दिया वैसे ही मेरा दिल खुश हो गया बताऊं क्यों क्योंकि इसका मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्या हो गए इसका मतलब एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन में कितना सी डी का स्क्वायर अभी तो अपन ने थ्योरम पढ़ी कि जो ट्राइंगल के जो एरिया होते हैं जो ट्राइंगल कितना होते हैं एरिया वो साइड्स के रेशियो के इक्वल होते हैं कि साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं के स्क्वायर के तो सर आप सीधे लिख दो ना एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ट्राइंगल सी ओ डी तो ए बी कितना आपके पास 2x ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर मतलब 4:1 तो सर ये क्वेश्चन क्या बहुत इजी था मुझे लगा बहुत इसलिए इजी था कि आपको सिर्फ ये वर्टिकली अपोजिट लिखना है ये ऑल्टरनेट लिखना है दो एंगल इक्वल हो गए मतलब ट्राइंगल क्या होगा सिमिलर क्या तीनों एंगल का सिमिलर होना जरूरी है दो एंगल दो एंगल का ही तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा और फिर अपन ने क्या लगा दी थ्योरम इसका रेशो कितना आ गया 4:1 कितना आ गया 4:1 सर थोड़ा सा मैं थर्ड एंगल को भी साथ में लेना पहुंचाऊंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड को तो सर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलना चाह रहा है आपको अगर हम देखिए तो मैंने देखो यार क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार से है आपके पास अगर हम फर्स्ट हो गया हमारे पास सेकंड हो गया ठीक है ना अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये जो क्वेश्चन था दिस वॉज क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस वॉज क्वेश्चन नंबर सेकंड सर थर्ड क्वेश्चन अपन करते हैं आपको बोल के रखा है ए बी सी और डी बी सी दो ट्राइंगल्स हैं विद सेम बेस बी सी हमने बोला ठीक है भाई वो खुद ही बोल रहा है कि ए बी सी ए बी सी और कौन सा ए बी सी यहाँ पे और डी यहाँ पे ये क्या ए बी सी और डी बी सी ऊपर है और डी नीचे है तो सेम बेस बी सी कैसे होगा ए बी सी और डी बी सी का चलो ठीक है अगर अपन ले ले इफ ए डी इंटरसेक्ट चलो ठीक ये बी सी इनका सेम बेस ठीक है ना सर अपन फिगर बना लेते हैं पहले फिर समझते हैं क्वेश्चन को ठीक है अगर अपन बात करें उन्होंने बोला एक ट्राइंगल भैया ए बी सी है एक ट्राइंगल क्या है ए बी सी और एक ट्राइंगल क्या है डी बी सी एक आपके पास ए बी सी है और एक आपके पास क्या है सी और आपको बोल के रखा है इंटरसेक्ट दिस एट व्हाट ओ आपको बताना है कि भाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल कितना डी बी सी इज टू प्रूव में करना है टू प्रूव क्या करना है एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल कितना डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में कितना ओ डी इक्वल टू कितना ए ओ अपॉन में ओ डी तो देखते हैं हम कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं या क्या हो सकता है
ठीक है ना। देखो यार एक बात तो मुझे पता है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के बारे में कि सर यहाँ से थोड़ा सा अपने को गेम खेलना पड़ेगा, यहाँ से एक लॉन्च करना पड़ेगा क्या, परपेंडिकुलर, जिसको मैं नाम दूंगा AM 90 डिग्री, और यहाँ से लॉन्च करूंगा परपेंडिकुलर को नाम दूंगा DL, ठीक है ना। तो सर ये तो क्या हो गया कंस्ट्रक्शन, क्या हो गया बच्चे स्टेप 1 देखें, स्टेप 1 ये थी और स्टेप नंबर 2 यहाँ पे चल रही है कि आप AM परपेंडिकुलर टू क्या बना रहे हो BC और DN परपेंडिकुलर भी क्या बना रहे हो BC से, सही है यहाँ तक, ये दोनों कितना हो गया। अब बड़ा मजा आएगा आपको इन दो ट्राइंगल को प्यार से देखते हुए, जरा देखिएगा मैं किन ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ आपसे। इन ट्राइंगल ओम दिख रहा है क्या, AOM स्टेप नंबर 3, इन ट्राइंगल ओम AOM एंड ट्राइंगल डॉन दिख रहा है क्या, ओम डॉन दिख रहा है क्या, क्या इसमें बोल सकता हूँ कि इसका एंगल M इज इक्वल टू उसका एंगल N इज इक्वल टू कितना, 90, और दोनों का ओ क्या है, क्या बात है आंसर, दोनों का एंगल ओ क्या है, वर्टिकली अपोजिट, दो एंगल इक्वल हो गए। अब बोल सकते हो ट्राइंगल ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डॉन, सही है कि नहीं, क्या इसका मतलब ये बोल सकता हूँ इसकी AM अपॉन में उसकी क्या DA इज इक्वल टू इसकी AO अपॉन में कितना OD, कैसा बोल सकता हूँ, अरे इसकी AM और इसकी कितना DN इज इक्वल टू इसकी कितना AO अपॉन में कितना OD। अब बड़ा मजा आएगा, चल बता एरिया ट्राइंगल ABC कितना होगा, मैं बोलूं हाफ बेस कितना है BC इंटू हाइट, हाफ BC इंटू AM, हाफ BC इंटू 14, एरिया ट्राइंगल DBC कितना होगा, DBC हाफ BC DN, सही है। अरे भाई ABC का एरिया, ये बेस कितना है, बेस कितना है BC, बताओ बेस कितना है BC और हाइट कितनी है AM, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस कितना है BC और हाइट कितनी है DN, तो सर हाफ से हाफ क्या हो गया, BC से BC क्या हो गया कैंसल, बच कितना गया AM अपॉन DN, लेकिन AM अपॉन DN किसके इक्वल है, तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल DBC, अगर आप लिख रहे हो कि वो AM अपॉन किसके इक्वल है DN के, इसका मतलब वो AO अपॉन OD के भी इक्वल है। सर आपने करा क्या, इस क्वेश्चन का गेम चेंजर पॉइंट क्या था, अगर कोई मुझसे पूछे इस क्वेश्चन का गेम चेंजर पॉइंट था, ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पे छोटा सा बना के, कि अगर ये आपका ABC और D था, तो इस पूरे क्वेश्चन में जो आपको मेन दिमाग लगाना था वो ये लगाना था कि देखो भाई दोनों ट्राइंगल का बेस तो BC है, ऐसा हम बोल रहे हैं क्वेश्चन ही बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने क्या करा इस ट्राइंगल में, यहां से क्या कराई AM परपेंडिकुलर और यहां से क्या कराया DN, इससे हमको अच्छा हो गया ये 90 था और ये कितना था 90, और ये दोनों एंगल क्या थे वर्टिकली अपोजिट, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, जैसे सिमिलर हो गए अपन ने बोल दिया इसकी AM अपॉन में इसकी कितना DN इज इक्वल टू इसकी AO अपॉन में इसकी कितना OD, सही है क्या यहाँ तक। वॉट नेक्स्ट, अगर मैं आपसे नेक्स्ट की बात करूं तो एरिया ट्राइंगल ABC इज हाफ BC इंटू कितना AM, भाई हाइट तो 90 वाली होती है ना, और एरिया ट्राइंगल DBC, एरिया ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है क्या आपको, DBC DBC, ये क्या होगी हाफ DC इंटू BC इंटू कितना DN, हाफ से हाफ गेट कैंसल, BC से BC गेट कैंसल, बचा कितना AM अपॉन DN, गॉट इट, हाँ कि ना, करना ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ पे।